नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने सांसदों को गुरु मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण के लिए यात्रा शुरू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने हमें बड़ा जनादेश दिया है तो सीना चौड़ा होना स्वाभाविक है। मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भेद रखा नहीं जाएगा, कोई भी सांसद मुंह ना करे, कोई छपास और दिखास से बचे। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात जाएंगे, वहां वे अपनी मां से आशीर्वाद लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी भी वो वहां जाएंगे और पीएम मोदी को ट्वीट कर ये जानकारी उन्होंने साझा की। गांधीनगर में मिली प्रचंड जीत के बाद आज गुजरात जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ता करेंगे ग्रैंड वेलकम। आम आदमी पार्टी की बैठक आज होगी, बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। प्रदेश इकाइयों और संयोजक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के पद से इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इस्तीफे की इच्छा जताई थी। इस बीच राहुल ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नेताओं ने अपने बेटों के हितों में पार्टी के हित से ऊपर रखा है। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए पद से हटने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर का दौरा करेंगे, श्री श्री राधा बांके बिहारी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही वो आरएसएस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई, डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले तीन दिनों से उनकी दिनचर्या बिगड़ गई है, जिससे डॉक्टर्स की परेशानी भी बढ़ गई है। अमेठी में बरोलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह को देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह के बेटे अभय ने आरोप लगाया है कि इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके पिता की हत्या करवाई है। बता दें कि सुरेंद्र सिंह स्मृति ईरानी के काफी करीबी थे और इस घटना के बाद स्मृति ईरानी रवाना हुई है। वहां पहुंचकर वो मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं सुरेंद्र सिंह की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि मामले की जांच जारी है, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। अभी तक 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम अगले 12 घंटों तक वारदात का पर्दाफाश कर देंगे। अपना दल और बीजेपी प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के प्रचंड बहुमत से दोबारा सांसद चुनी गई हैं और इसी से उत्साहित एक महाविद्यालय के प्रबंधक की ओर से 10 क्विंटल लड्डू बांटने का लक्ष्य भी रखा गया है।
आप नेता अलका लांबा ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को बाहर निकाले जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को हटाकर संजय सिंह को आपका संयोजक बनाने की मांग उठाई है। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक टेबल पर अपने समर्थकों के साथ भोजन करते हुए फिल्मी गाना गाते नजर आ रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को जेल मिली है, 14 दिन की फरलो उन्हें मिली है। सोमवार को वो जेल से बाहर आएंगे और 14 दिन की फरलो पर वो बाहर आ रहे हैं। आज हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस वार्ता की। आचार्य बालकृष्ण को यूएन में मिले सम्मान को लेकर वार्ता की। विश्व में 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूरे प्रदेश में नायब तहसीलदार पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। रेवाड़ी में लिखित परीक्षा के लिए 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की गहमा गहमी रही। अंबाला समेत दूसरे जिलों से आए करीब 10,296 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की जा रही है। सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा ने पार्टी की प्रचंड बहुमत से मिली जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया किया, साथ ही आवास पर मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सितारगंज की जनता ने हर बार की तरह इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत प्रदान किया, इसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद किया है। रोडवेज से 900 कच्चे कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। सरकार के इस कदम को रोडवेज यूनियन ने बदले की कार्रवाई बताया है। आरोप है कि किलोमीटर स्कीम विजिलेंस की जांच से रोडवेज के अधिकारी सख्ते में हैं। यूनियन का कहना है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को बर्खास्त कर हाईकोर्ट की अवमानना कर रही है। पिछले साल 18 दल की हड़ताल के दौरान सरकार ने सभी कर्मचारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। राजगढ़ में किसान से लूट करने वाला आरोपी, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बदमाशों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब किसान सोसाइटी में फसल बेचकर रुपए लेकर घर जा रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया है। दो युवकों को लूट की राशि का बंटवारा करते हुए महज 24 घंटे में ही हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की रोड पर जमकर पिटाई की है। बेटे की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बुजुर्ग के 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा आए दिन बुजुर्ग के साथ मारपीट करता है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद के टोहाना में बच्चे की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। घटना गांव चंदड़ की है, जहां पहले एक लड़के को 15,000 में बेचा गया था। मामले का खुलासा एक फोन कॉल से हुआ, जो टोहाना में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के पास आया। जांच की गई तो पता चला कि बच्चे को 1,35,000 में बेचने की कोशिश की जा रही है। भदोही शासन से संचालित गेहूं क्रय केंद्रों पर इस बार किसानों की गेहूं की खरीद में तेजी आई है। गेहूं क्रय केंद्र जांगीगंज में अब तक 228 किसानों की गेहूं की खरीदारी हो चुकी है, जिनमें से 8,890.50 किलो गेहूं की खरीदारी अब तक हो चुकी है। सूरत के कोचिंग सेंटर आग लगने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं व्यावसायिक परिसर तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के 2 बिल्डर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में कोचिंग सेंटर चल रहा था। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूरत में हुए हादसे पर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि इस तरह के भीषण हादसे में गुजरात सरकार संज्ञान ले। कुल्लू में भी बिना अनुमति के चल रहे ट्यूशन्स और कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी।
बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही पाई गई तो जिला प्रशासन इस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में ले आएगा। जिला कुल्लू प्रशासन द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने जा रहा है, इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। फिरोजाबाद में गुजरात की घटना के बाद अग्निशमन विभाग जाग गया है और नगर के मशहूर कोचिंग सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी में टीम ने लगभग आधा दर्जन कोचिंग सेंटर्स पर फायर से संबंधित उपकरण नहीं मिले। कई सेंटर्स में अनहोनी की स्थिति में निकलने वाला मुख्य मार्ग भी बेहद संकीर्ण मिला। सूरत से सबक लेते हुए ऑफिसर ने संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर के अंदर हुए भीषण हादसे में 24 बच्चों की मौत हो गई। बाद में एबीवीपी संगठन के अलीगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपकर महानगर के अंदर चल रहे विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग को जायज ठहराते हुए जांच कराने की बात कही गई है। एक महिला ने अपने 6 साल के बेटे के साथ नहर में छलांग लगा दी। लोगों ने बेटे को तो बचा लिया लेकिन महिला की तलाश की जा रही है। शामली में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना उस दौरान की है जब मृतक किसान गन्ना मिल से गन्ना तुलवाकर घर वापस लौट रहा था। किसान की हत्या की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार गौकशी करने वालों पर अपना शिकंजा कस रही है और इसी के चलते बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर गौकशी करने वालों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि आरोपी के 4 साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से लगभग 1.5 क्विंटल गौमांस भी बरामद किया है। भवानीखेड़ा में इन दिनों बिना पानी के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। हरियाणा में अब की बार पहले के मुताबिक काफी कम बरसात हुई है। पानी की पूर्ति न होने की वजह से किसानों को इसका काफी नुकसान हो रहा है। हल्के बूंदाबांदी के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में घर के अंदर छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश के बाद हत्या करने की घटना से पूरे क्षेत्र में लोगों में भारी गुस्सा है और ऐसे में सड़क पर उतरे और मृतक छात्रा को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल हुई बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि ये घटना शर्मसार कर देने वाली है जिसने शहर के हजारों लोगों को झकझोर कर रख दिया है। करनाल में चोरों ने एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मकान मालिक करीब 2 दिन से घर को ताले मारकर बाहर गए हुए थे तभी चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरी की सूचना मिलने पर पड़ोसियों ने पहले मकान मालिक और फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनकल्याण जागृति संस्था के कैंप पर छापा मारा। मौके से सभी दवाओं को जब्त कर लिया गया। दरअसल हरियाणा सरकार की मान्यता प्राप्त जनकल्याण जागृति संस्था की पर्ची 10 में बनकर लोगों से आयुर्वेदिक दवा देने के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही थी। मामले में संबंधित कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के लापता युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। घटना में इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है।
घोना के गांव कथुरा में तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े शहर के बीच हथियारों के दम पर दवा विक्रेता से करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। मथुरा में लस्सी विक्रेता की पिटाई का मामला अब नया मोड़ पकड़ रहा है। विक्रेता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ दिनों पहले ही लस्सी के पैसों के लेन देन को लेकर पीड़ित की पिटाई हुई थी। सोलन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सलोगड़ा में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार खाई में जा गिरी। 400 से 500 फीट तक नीचे जा गिरी। वहीं गाड़ी में सवार दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज शिमला में चल रहा है। देवरिया में बिजली की तार टूटकर गिरने से एक महिला समेत तीन बकरियों की मौत हो गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की बात कही। ग्रामीण ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाते हुए भी नजर आए। पलवल के बड़े गांव बड़ोली में 11,000 केवी की लाइन को ठीक करते समय बिजली का करंट लगने के कारण 38 साल के कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर बिजली विभाग के जेई और एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रायकी गांव मेहंदीपुर में यमुना नदी के किनारे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर था। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मथुरा में लस्सी विक्रेता की पिटाई का मामला एक सामने आया है, जहां पर विक्रेता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डिंडोरी में एक सफेद मारुति वैन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने तीन लोगों के पास से 20 किलो गांजा और मादक पदार्थ पकड़ा है। गांजे की कीमत बाजार में लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस इन दिनों तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। शामली में होमगार्ड से प्रेम संबंध के मामले में राज्य आने वाली महिला के साथ सनसनी केस मामला सामने आया है। युवक ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी रचाई गई। पीड़िता का आरोप यह भी है कि होमगार्ड ने अपने पिता से साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर की उतावली नदी में बोरे से तार से हाथ पैर बंधे मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। इस हत्याकांड में पिता ने ही अपने खेत का कामकाज देखने वाले के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। बता दें कि बात खुद पिता ने हत्या के 2 दिन बाद पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या के 12 दिन बाद दोनों आरोपियों को पकड़कर खुलासा कर दिया है। फिरोजाबाद में एक युवक ने मामूली विवाद में दूसरे शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे
शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल युवक अपने ससुराल आया था, उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और उसी दौरान रिश्तेदार ने विवाद में शख्स को गोली मार दी। खबर रतलाम के गांव जानपालिया की है, जहां से कुएं पर पानी की मोटर चालू करने गए 40 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर परिजनों ने तत्काल उपचार के लिए सलाना स्वास्थ्य केंद्र भेजा, लेकिन युवक को बचाया ना जा सका और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 आंकी गई है। भूकंप रविवार सुबह 10:39 पर आया, करीब 2 से 3 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मिलने पर सहमत हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर अब तक बातचीत नहीं करेगा, जब तक ट्रंप प्रशासन निरस्त्रीकरण के लिए एकतरफा मांगों पर अपनी स्थिति साफ नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक नेक कोरियन न्यूज एजेंसी को यह जानकारी दी है। बेगमगंज नगर के पुराना बस स्टैंड पर युवाओं ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों ने भी बैठकर रोजा इफ्तार किया और नगर एकता की मिसाल पेश की। हिमाचल की लड़कियां इन दिनों सेना में भर्ती के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन लड़कियों को एक रिटायर फौजी करम सिंह तैयार करा रहा है। इन्हें न सिर्फ सेना में भर्ती के गुण दे रहा है, बल्कि सेना के ट्रेनिंग के लिए पैट्रन का भी कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने में लगी एक कोशिश। आशा संस्था के विशेष बच्चों के लिए रामपुर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कि दिव्यांगों को शिक्षित करने के साथ आर्थिक और सामाजिक तौर से सक्षम करना उनका लक्ष्य है। अनुराग कश्यप ने ट्वीट में लिखा कि जी नरेंद्र मोदी सर, आपकी शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं और एकता के संदेश के लिए शुक्रिया। लिखा है, सर प्लीज आप ये बताएं कि आपके इन फॉलोअर्स से हम कैसे निपटें जो आपकी जीत का जश्न मेरी बेटी को इस प्रकार के भद्दे संदेशों और धमकियों से मना रहे हैं। करण ने इंस्टाग्राम पर ऋषि कपूर और उनकी पत्नी और अभिनेत्री नीतू कपूर संग एक तस्वीर को शेयर किया है और दोनों को भारतीय सिनेमा की बेहद पसंदीदा जोड़ी कहा है। इस तस्वीर के कैप्शन में करण ने लिखा, इंडियन सिनेमा में मेरी सबसे पसंदीदा जोड़ी, इन दोनों को चाहते हुए मैं बड़ा हुआ हूं और इन्हें जाने का मुझे सौभाग्य मिला। कृति सेना ने शुक्रवार को बॉलीवुड में अपने 5 साल पूरे किए और इस मौके पर कृति ने कहा कि उनके पहले सह कलाकार के लिए उनके दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा।